हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इजी कैप की डिवाइस से मोबाइल में एक्सबॉक्स को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये फ्रेंड्स मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ करी थी 600 रुपये में, आपको अमेज़ॉन पर भी लगभग 650 रुपये तक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने का जो पूरा तरीका है मैं आज आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिएंगी मैं उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहें। इसके लिए स्पेशली ये OTG टाइप सी अडेप्टर केबल जो मेरे फ़ोन में सपोर्ट करती है, मेरे पास Realme का 5 प्रो फ़ोन है और इसका प्रोसेसर भी काफ़ी हद तक अच्छा है, तो इसमें क्या ये जो लैग नहीं करेगा खासकर गेमिंग में। तो फ्रेंड्स, इसमें एक्सबॉक्स के लिए जो पीछे ऑडियो वीडियो जो केबल लगती है ये वो है ओरिजिनल, और ख़ासकर आप ध्यान रखें ओरिजिनल केबल को यूज़ करें, आप थर्ड पार्टी केबल यूज़ ना करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, फ़ोन में आपको USB कैमरा करके एक प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। जब आप नाम सर्च करेंगे पहला ऑप्शन इसी का आएगा, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब उस केबल से इस इजी कैप की केबल के अंदर कनेक्ट करेंगे, रेड कलर से रेड, येलो से येलो और वाइट से वाइट, ध्यान रहे आपको। और जो चौथी जो केबल है ब्लैक कलर की, इसका कोई यूज़ नहीं है, आप इसमें आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ये जैसे ऐसे ही आप ये कंप्यूटर केबल है फ़िलहाल काम नहीं आएगी अपन के लिए अभी फ़िलहाल के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप इसको OTG केबल से कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कर दिया है। फ्रेंड्स, आप इसको अपने लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए साथ में एक CD प्रोवाइड होती है, उसके अंदर इसका लैपटॉप का सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने OTG कनेक्ट कर ली है, देखिए फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है, इसको वापस एक बार बंद करके वापस चालू करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन आपको दिख रही है, एक्सबॉक्स को मैंने ओपन कर दिया है, अब इसको ऑटो रोटेट पर कर देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसके अंदर अभी जो स्क्रीन की जो क्लियरिटी है वो काफ़ी ब्लर आ रही है, वो इतनी अच्छी अभी नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर जो इसकी जो साइज़ होती है वो कम हो रखी होती है स्टार्टिंग से। तो मैं आपको इसकी साइज़ के बारे में सारा बता दूंगा। इसके अंदर 170p से लगाकर 720p तक की साइज़ होती है, जो अपन के फ़ोन को या लैपटॉप के अंदर जब स्क्रीन देखेंगे तो 720 की अपन को चाहिए ही चाहिए, उसी में अपन को सही तरीके से दिख पाएगी क्लियरिटी। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं इसकी जैसे साइज़ बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसके देखिए आपको वर्ड्स काफ़ी अच्छे सही से दिखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे इसमें लिखा हुआ अंशुमन हर्सूल, ये जो प्रोफाइल बना रखी है मैंने, इसके नाम आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसी के अंदर। अभी मैं फ्रेंड्स के अंदर गेम को चला कर आपको दिखाऊँगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये मैंने एक्सबॉक्स का जो रिमोट है उसको कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए फ्रेंड एकदम बराबर यूज़ हो रहा है, आप आराम से देख सकते हैं इसको पूरा। एक फ्रेंड इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, जो इसकी वॉइस क्लियरिटी होगी वो थोड़ी कम आएगी कंपेयर टू जो TV से अपन करेंगे ना, क्योंकि उसमें अपन फ्रेंड्स HDMI केबल यूज़ करते हैं और उसकी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आती है, आपको भी पता है, तो वो फ़ोन में कनेक्ट होती नहीं है। बट जैसा भी है फ्रेंड, सस्ते में तो आपको फिर ऐसा ही मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड गेम की जो लिस्ट है, पर एक है फ्रेंड इसमें सभी गेम अपन नहीं खेल सकते, जो खास कर जैसे GTA 5 हो गया, बर्नआउट हो गया, नीड फॉर स्पीड, जो 50 Hz की जो है इस पर चल सकता है, बाकी 60 पर चलने वाले वो कभी नहीं चलेंगे, खासकर जैसे बैटमैन आर्कम हो गया, टॉम राइडर हो गया, ये गेम नहीं चलेंगे। जैसे अपन को उसको यूज़ करेंगे उसी साइज़ में तो ये स्क्रीन बहुत बेकार आएगी, दिखी अपन को जो पिक्सल दिखेंगे बिल्कुल नहीं, वो सब ब्लर दिखेगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, एकदम अच्छी क्लियरिटी में काफ़ी हद तक आ चुका है ये। अगर आप इसको LED में देखोगे तो LED की क्लियरिटी के हिसाब से फ्रेंड्स थोड़ा तो आपको डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि एक फ़ोन है, ये फ़ोन की साइज़ भी बहुत मैटर करती है इस बात पर। और
LED 32 इंच की होती है, तो फिर उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इसके पिक्सल अपने आप सेट हो जाते हैं और अपन को काफ़ी अच्छा दिखता है। बट फिर भी फ्रेंड, अगर आप इसका खासकर मेनली यूज़ फ्रेंड जो अपन का सेटअप बॉक्स होता है, उस सेटअप बॉक्स को मोबाइल में यूज़ करने के लिए किया जाता है, खासकर इसका मेन यूज़ यही है। मैंने तो ये एक प्रकार से बोल सकते जुगाड़ किया है, और इसको आप लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं फ्रेंड। इससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बताना मैं भूल गया था, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ होती है। आप चाहे तो बाहर से भी जो दूसरा कोई सॉफ्टवेयर होता है या ऐप होता है उससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, आप गेम का रिकॉर्डिंग करके आप अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज आपको सारी वीडियो इसी के अंदर बताऊँगा, और इसकी जो डेमो वीडियो आगे आएगी उसके बारे में सारी जानकारी मैं देता रहूँगा इसी प्रकार से। आप प्लीज़ मेरे इसी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कोई सवाल हो तो, और इसी प्रकार और नई नई वीडियोस में लाता रहूँगा। और गेमिंग की खासकर तो मैं गेमिंग का ही मेरा चैनल है, और गेमिंग की वीडियो मैं लाऊँगा खासकर इसी पर, और भी कोई गैजेट्स वगैरह होंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी इसी चैनल पर आपको देता रहूँगा।